नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के धामनोद में व्यापारी हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप के नाम पर बैंक खाते में डलवा लिए तकरीबन 18 लाख रुपए। आवेदक को जब पता लगा कि वह ठगी का शिकार हो गया तब वह पहुंचा धामनोद पुलिस थाने और करवाई FIR दर्ज। धामनोद के रहने वाले संदीप पिता राधे श्याम पाटीदार ने इंटरनेट पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर डीलर को सर्च किया तो वहां पर डीलरशिप डिटेल का ऑप्शन आया, जिसे देखकर उन्होंने डीलरशिप का आवेदन भरा। वहां पर से उनके पास फ़ोन आया, बातचीत की गई। उक्त व्यक्ति ने अपना नाम योगेश त्रिपाठी बताया। ओला स्कूटर के संबंध में सारी जानकारी दी गई, साथ ही व्यापारी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST नंबर, फोटो व अन्य संबंधित जानकारी मांगी गई। उक्त व्यक्ति ने 2 से 3 बार ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करवाया। इस तरह से व्यापारी से तकरीबन 18 लाख का ट्रांजेक्शन करवा लिया। व्यापारी को लगा कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो गया है तो उसे धामनोद थाने पर आकर अपराध पंजीबद्ध कराया। धार हेडक्वार्टर DSP मोनिका सिंह ने बताया कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस मामले में जांच जारी है। देखें खबर SKP लाइव न्यूज पर। के संदीप पिता राधे श्याम पाटीदार की हैं। इन्होंने ओला साइट से इलेक्ट्रिक बाइक की डीलरशिप लेने के लिए सर्च किया था ओला साइट को। ओला साइट को सर्च करने के दौरान इनके द्वारा वहाँ मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया था। उस मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आया जिसने उनको डीलरशिप संबंधी बातचीत की और उसमें फॉर्म और अन्य फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट लिए मेल कराए और करीब धीरे धीरे करीब 18,70,000 रुपये उनसे अकाउंट में डलवाए। बाद में जो इनकी यहाँ देखने के लिए इंजीनियर आने वाला था, जब नहीं आया, फिर बाद में उन्होंने शिकायत की तो जांच में पाया कि वो फर्जी साइट पे जाके उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसमें थाना धामनोद का अपराध पंजीबद्ध किया गया 420 का और जाँच में लिया गया है। कल राजकुमार यादव, थाना प्रभारी, धामनोद। एक्चुअली धामनोद में ये हुआ कि अभी बीच में ओला कंपनी जो है उसने अपना डीलरशिप के लिए कोई साइट शुरू हुई इलेक्ट्रिक बाइक का शायद, तो उसके तहत जो वहाँ धामनोद में रहने वाला व्यापारी है उसने चाहा होगा कि ये डीलरशिप मुझे मिल जाए। उसके तहत उसने इंक्वायरी की साइट पे, और इंक्वायरी जब उसने साइट पे की तो वो फ्रॉड साइट पे शायद उसने इंक्वायरी की। उसके तहत उसके पास कॉल आए, कॉल आने के बाद उसने बताया कि मैं ओला कंपनी से बात कर रहा हूँ और आपको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए इतने इतने रुपये जमा करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में धीरे धीरे उसने डीलरशिप के नाम पर कुल लगभग 18 लाख रुपये उससे ठग लिए। जब व्यक्ति को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई तब उसने हमारे पास में कंप्लेंट दिया। तो क्या कर रही है उन्होंने? अभी पुलिस ने तुरंत इसको जांच में ले लिया है। FIR भी इसमें कायम हो रही है और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और प्रॉपर जो भी इसके अंदर रिजल्ट निकलता है आरोपी को हम पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।